सब घायल करते हैं, होश करते हैं सब रे। क्या लग गया तुम्हारे? क्या लग गया? हमारा नाम खुशहाली राम है। हमारा सब खेत है, उसको साहब सिंह और केयर सिंह और 10-12 गुंडों सहित और जायज और नाजायज हथियारों लेकर और बाद कब्जा रहे हैं। और ये पुलिस शासन गेट थाने पे आते हैं, वो हमें समझा देते हैं, भजा देते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। आज घटना ये हुई जो रात को 10 बजे तक दीवार जो लगाई उन्होंने, हमारा प्लॉट घेरा और सुबह वो मिट्टी डालने, तो हम डीएम की कोठी पे मिलने गए क्या, हम अपनी शिकायत करने के, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पीछे ये रोकने गए तो इनके साथ मारपीट की है और अब राइफलों की बटों से और हॉकियों से और ईंटों से डंडों से खूब मारा पीटा है और घायल हमारे साहब। मैं तो अभी आया हूँ डीएम और कोतवाली से, मुझे तो ये भी पता नहीं है, जाम मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो डीएम की कोठी पर। महेश देवी अपनी जमीन के दाद लाई के पीछे जमीन खनने गए दीवार, उनने मारपीट कर दी हमारी थाने, कोई नहीं सुनी थाने में हमारी, कोई सुनाई नहीं करी थाने में, हाँ थाने में नहीं सुनी, आपने थाने में नहीं सुनी, आज मारपीट करी है दीवार उखाड़ी और दीवार उखाड़ने में उसने मारपीट करी हमारी, जो हालत बेबू बेहोश करी है भाई, तो जाम इसीलिए लगा थाने में नहीं सुनाई करी हमारी, नहीं सुनाई करी उसने, पैसे भर दिए थाने में आएगो। चमन है, चमन विकास। क्या हुआ चमन भाई? मैं अपनी जमीन पर जमीन रोक बैठा था, हमारे लट्टी पिटाई कर दी, ईंट पत्थर कर दिया हमारा। ये पला साहिबाबाद में एक जमीन का मामला है, बताया जाता है कि उसमें एक पक्ष जो है वो साहब सिंह है, एक पक्ष है खुशहाली राम। कल रेवेन्यू की टीम गई थी और नाप तौल की थी और नाप तौल के बाद उन्होंने बताया था कि ये जमीन जो है साहब सिंह की है, उन्होंने अपनी बाउंड्री भी बनाना शुरू कर दिया था। आज दूसरे पक्ष ने उसी को लेकर के वहाँ जाके पथराव किया, दोनों तरफ से एक पत्थर चले, उसमें दोनों पक्षों की चोट आई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है खुशहाली राम, वो लोग यहाँ आकर के आगरा रोड पे उन्होंने यहाँ पे जाम लगा दिया, पुलिस आ गई, फिलहाल जाम खुल गया है, लेकिन जिन्होंने जाम लगाया उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर आजकल लोग सड़कों पे आ रहे हैं? नहीं, जमीनी अगर किसी को विवाद है तो प्रॉपर तरीके से जहाँ पर उनको अपनी कंप्लेंट करना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, सड़क पे जाम लगाने से किसी जमीन का हल नहीं होगा, जो भी व्यक्ति सड़क पे जाम लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।